जीवन भर के लिए दिव्यांग बना देने वाली पोलियो की बीमारी के उन्मूलन के लिए रविवार से 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। जिले में 0 से 5 वर्ष के करीब 12,66,127 बच्चों को 2 बूंद जिंदगी का संदेश देकर दवाई पिलाई गई। अभियान की शुरुआत रविवार को जिला अस्पताल में अपर कलेक्टर की मौजूदगी में की गई। इस दौरान अपर कलेक्टर JS बघेल ने अपील करते हुए कहा कि अभिभावक इस 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान के दौरान अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक हर हाल में पिलाए। CMHO डॉक्टर MS सिसोदिया डॉक्टर संजय भट्ट ने बताया 2052 बूथों पर दवाई पिलाई जा रही है। 3 दिवसीय अभियान में नोनीहालों तक पहुंचने के लिए 4104 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 70 मोबाइल टीम तैनात की गई है जो पहुंच विहीन इलाकों जैसे ईंट भट्टा निर्माण कार्य खेत खलियान आदि क्षेत्र में जाकर दवा पिलाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। आईडी है ये हमारा जो सब नेशनल जो नेशन डे है हमारा आज हमने किया तो पूरे जिले में हमारा लक्ष्य 2,66,137 बच्चों का है और पूरे जिले में हमने पूरी व्यवस्था कर ली है इसकी और 2,66,137 बच्चों का लक्ष्य रखा गया है। वैसे यदि अपन खरगोन का चाहें तो खरगोन का हमारा लक्ष्य 20,884 बच्चों का है और वहाँ भी हमने पूरी तैयारी कर ली है। पूरे सारे कर्मचारी हमने लगा दिए हैं और पूरी हमारी कार्य योजना बन गई है। आज ही हमने इनॉग्रेशन भी करवाया है। ADM साहब आए थे JS बघेल साहब, उनके माध्यम से हमने आज इनॉग्रेशन भी करवाया है। कितने दिन चलेगा ये आपके यहाँ? ये 3 दिन चलेगा। आज के दिन तो हमारा बूथ का कवरेज रहेगा, बूथ पे ही आएंगे सब लोग और कल और परसों हम हाउस टू हाउस करेंगे। क्या नाम सर आपका? मैं डॉक्टर संजय भट्ट, जिला अधिकारी खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।